somebody, you have sold your support to our home team. Thank you so much to all. You are so suffering for all the suckers putting down. You are so suffering. You are doing so suffering to home team. Thank you so much. टीम ने आज प्रदर्शन किया और कई सारे रन बचाए अपने फील्डिंग के माध्यम से कम 10-15 रन तो रोके फील्डिंग में। Hello, Team Jamjan, best of luck to you. Who is following this match at any cost? Jamjan, rock, rock, rock! Kya jazba hai aur kya josh hai? How the josh? Josh is the ultimate josh. Jamjan! Thank you so much. Ye not shot ki jaye se. Kaun tha? So we love your spirit, we love your Josh. How the Josh is definitely. How the Josh? भाई जिंदा हो तो जिंदा दिखने चाहिए और मौजूद हो तो शोर भी होना चाहिए और अपना मौजूदगी थोड़ा सा जाहिर कर दो और कैंसर के पास क्या दम है और कैंसर के पास क्या शोर है और शोर है थोड़ा सा वो भी जाहिर कर दीजिए। हाउ टू जोश और पूरा दो दो बड़े मार्कर कर दो और अब कर भी सो लेडीज एंड जेंटलमैन वी ऑल आर ओवर हियर फॉर योर एंड ऑल ऑफ अस डेफिनेटली ছেড়া ছেড়ে দে এই অধর মার ক্রিকেট খেলতু রে কোন এমতি পশু বড় টোকাটা और मैं गुजारिश करूंगा मेरे डीजे वाला बाबू गुल्लू जी कोई चैंपियन वाला गाना थोड़ा बजा ही दो ताकि हमारे जो केवसर के क्रिकेट टीम है और बल्लेबाज खास करते हैं वो थोड़ा सा चैंपियन का जोश फील करे और कुछ जज्बा दे उस गाने से और कुछ इंस्पिरेशन ले उस गाने से चैंपियन ये वाला धुन साया धुन का मनोबल बढ़ा सके ये वाला गाना जो I'm gonna make you mine.
और शासन की टीम जो आज हमारे मेहमान की टीम है, सर्वेश्वरी क्लब की ये खासियत रही है, ये प्राथमिकता रही है कि मेहमान नवाजी की खातिरदारी में कोई कमी ना रहे, ये हमारे सभापति जी के मूल उद्देश्य है और निर्देश भी रहा है कि मेहमान नवाजी की खातिरदारी यहाँ हो और चर्चा झारखंड में हो। जी हाँ, और झारखंड की टीम जो आज यहाँ पर मौजूद है उनको भी शुभकामना देना चाहेंगे, सतर्शवरी क्लब की ओर से उनको भी अभिनंदन, और अभी भी सतर्शवरी क्लब के सभापति जी उनको अभी भी शुभकामनाएं दिया है इस मैदान में, क्योंकि वो आज होम टीम के साथ वो मैच खेल रहे हैं और होम टीम के साथ वो मैच खेल रहे हैं। और इसके साथ जहां दोनों टीमों के खिलाड़ी आमने सामने हो चुके हैं, दोनों बल्लेबाज नियमित बल्लेबाज है अरूप पाल और सार्थक सौरभ प्रकाश, ये है दोनों बैट्समैन आज क्रीज में मौजूद है। 128 रनों के विजय लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक अच्छी जिम्मेदारी की जरूरत है। और नीली भाई, नीली मिश्रा जी, आप काउंटडाउन के लिए झारखंड जी थोड़ा सा रुकिएगा बॉलर, और एक्स्ट्रा प्लेयर दीजिए हमें, हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्लेयर भी दीजिए। कार्तिक गेंदबाजी में, लेकिन स्कोर रेडी? जी हाँ, यस कार्तिक गेंदबाजी में, लेकिन मैं बता दूं आपको, आपका इतना आवाज उतना गूंजा नहीं, मीनी भाई का आवाज इतना गूंजता है, इसे तो कहते हैं ये आवाज नहीं मानो शेर का दहाड़ है ये मैदान में। और कार्तिक गेंदबाजी में, टॉट बॉल, कार्तिक गेंदबाजी में, बहुत ही बढ़िया। अभी भी अनुपाल ने एक रन के साथ अपना खाता खोल दिया है। अनुपाल के आज पारी की शुरुआत टीम के ऊपर जरूर निर्भर होगा। अनुपाल सार्थक मौजूद है, राइट एम ओवर। फील्ड की सजावट कुछ इस तरह से है, बहुत बढ़िया सजा जाए, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है और यहाँ हमारे ड्रोन कैमरा उड़ चुका है, हमारा ड्रोन कैमरा यहाँ से उड़ चुका है इस सारे घटना को अपने कैमरा में कैद करने के लिए। अब आसमान में उड़ान भरती हुई हमारे ड्रोन कैमरा आगे भरती हुई। कार्तिक गेंदबाजी में दो रन और दोनों सलामी बल्लेबाजों ने एक एक रन के साथ अपना खाता खोल दिया। डेड बॉल, बॉल
बहुत ही बढ़िया, लेकिन पॉइंट पे खिलाड़ी मौजूद है। फिर एक सजावट तो इस तरह से है कि कोई स्लिप रखा नहीं गया है, लेकिन डीप थर्ड में रखा गया है जरूर, और थोड़ा सा बैकवर्ड पॉइंट तो नहीं कहा जाएगा, बैकवर्ड पॉइंट तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन शॉर्ट स्क्वायर थर्ड में तो जरूर रखा गया है। और पॉइंट में खिलाड़ी मौजूद है, और वही शॉर्ट स्ट्राइकर मौजूद है, मिडल मौजूद है, मिडल और शॉर्ट स्क्वायर लेग जो कि अंपायर के साथ सटे हुए हैं। बहुत ही बढ़िया, यह है क्लास, और एक क्लास से शॉट के साथ शुरुआत हो पा रही है, और अनुभव का ये चौका। सिग्नेचर शॉट के साथ पारी की शुरुआत किया, और अनुपम ने अपना सिग्नेचर शॉट के साथ कह दिया कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। छह रन बगैर किसी नुकसान के, कार्तिक पांच गेंदे बिल्कुल अपने ही अनुसार गेंदबाजी किया, लेकिन अंतिम गेंद में वो थोड़ा सा ऑन द राइज डाल दिया था, जो कि थोड़ा सा रूम था तो उसे कवर एक्स्ट्रा कवर में यूज किया था, और ऊपर ने 10 रन चौका। बोलो ने रोनी आए हैं जिन्होंने आज क्या बार रन की पारी खेला था, और पारी के एक मजबूत खिलाड़ी साबित हुए थे वही गेंदबाजी में। स्पिन और बाहर, अभी भी हौसला अफजाई करते हुए दर्शक, हौसला प्रदान करते हुए बाहर, और दर्शक उत्साहित है, दर्शक उत्तेजित है। और साइड में खड़ा जरूर, लेकिन शॉर्ट पिच पर मौजूद है, और दर्शक बाहर से ही बातें तो कर रहे हैं, बस वही एक लफ्ज आज के अवसर को कह रहे हैं एक ही बातें कि कर लो ये मैदान फतेह। बहुत ही बढ़िया सीधी गेंद थी, थोड़ा सा स्टील होती हुई गेंद, बैकवर्ड जाकर ड्राइव करने की कोशिश कर रहे थे, बैकवर्ड ड्राइव करने में थोड़े से चुके, और विकेट कीपर जो विकेट के साथ चिपके हुए हैं। बहुत ही बढ़िया संभलते हुए बल्लेबाजी, जिस टीम के पास कई सारे आक्रामक खिलाड़ी मौजूद हो और बीच वाले समय के लिए टारगेट दिया था, बल्लेबाज को खेलने में मजबूर किया था, रोनी स्विंग एक चार फेंका था, दो थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ के साथ थोड़ा सा आगे पीछे कराने के बाद थोड़ा सा फ्लाइट दिया था, और फ्लाइट देने के साथ साथ रॉन्गन भी रखा है, चतुराई भरा चाल रोनी सिंह की ओर से। और रोनी सिंह अनुपम को आज सस्ते में चलता किया, बहुत ही बढ़िया कैच, डिप्स का लेग पर ऑल पर आउट, 5 रन बनाकर। और इसके साथ बेहतरीन कैच को रखा गया उनके अनुपम आउट, जिनके मैदान में आते ही यश रूप में सूर्य निकलता है, जिनके बल्ला किसी भी स्टेडियम भारतवर्ष के किसी के स्टेडियम में भी बेधोक चलता है, निलाल ने फिर वो सपूत है क्या उधर के, आज वो खिलाड़ी मौजूद है शुभ्रांशु शेखर सेनापति, जिनके मैदान में आते ही यश रूप में सूरज निकलता है,
जिनके बल्ला भारतवर्ष के किसी भी स्टेडियम में बेथोक चलता है, उजर का वो सबूत, ये वो चराग है किसी भी आंधी के आगे बेखौफ चलता है। यही वो खिलाड़ी है ट्रिपल एस, अब विराट कोहली जैसे 3 नंबर के स्थान पर मौजूद है। और ये तीसरा ओवर, और रोनी सिंह जो कि एक महत्वपूर्ण विकेट अपने टीम को प्रदान किया था। बहुत ही बढ़िया, पहले को छोटी भी खेली की थी। बहुत ही बढ़िया गेंद, छक्का दी हुई गेंद थी ये, और क्या राइजिंग डिलीवरी थी, और ये राइजिंग और बैट्समैन के लिए सरप्राइजिंग डिलीवरी का जरूरत था। और क्या उछाल दे रही है कार्तिक की गेंदबाजी, कार्तिक उतने लंबे रनों पे गेंदबाज तो रही है लेकिन उनकी एक्यूरेसी जरूर है। मैं एक मतलब बात कर रहा था उनके कप्तान राजू यादव और अमित सिंह, उनके जो अनुभवी खिलाड़ी हैं वो आज नहीं है, उनसे मैं बातचीत कर रहा था। वो कार्तिक के बारे में ये बताते हैं हमेशा कि कार्तिक के ऊपर उनका भरोसा बहुत है। कार्तिक वो गेंदबाज हैं और जिनके ऊपर भरोसा रहती है कि सुपर ओवर के गेंदबाज हैं, ये उतने लंबे रनर तो नहीं है, तेज गति तो नहीं है, लेकिन एक्यूरेसी इनके पास मौजूद है, ये भरोसेमंद गेंदबाज है टीम झारखंड के। बहुत ही बढ़िया, कितने आराम के साथ खेला सुधांशु ने, ओडिशा के कप्तान आज उनकी गेंदबाजी का सामना कर रहे हैं। और सुब्रत सेनापति का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है रणजी ट्रॉफी में, वो हमेशा झारखंड के खिलाफ बैठो बल्लेबाजी करते हैं, बेधड़क करते हैं और सफलता हासिल करते हैं, ये उनकी करियर का एक खास रिकॉर्ड है। तो वो जरा सा याद कर ले कि वह झारखंड राज्य के खिलाफ वो मैच खेल रहे हैं और हाल ही में झारखंड के खिलाफ रणजी ट्रॉफी में ये शतक अर्जित करते हुए लौटे भी हैं। तो निश्चित तौर पर आज फिर से झारखंड टीम उनके सामने है। बहुत ही बढ़िया सीधा ड्राइव किया लेकिन पॉइंट मौजूद है। जैसे कि मैं कह रहा था कि कार्तिक जो कि बहुत बढ़िया एक्यूरेसी के साथ वो गेंदबाजी करते हैं और 7 रन 8 रन 3 ओवर के बाद, लेकिन मैं बता दूं केंद्र क्रिकेट टीम को कि अगर बीच में बारिश होती है तो डॉक्टर लुइस के हिसाब से, डीएल मेथड के हिसाब से हर एक ओवर में 6-6 रन बनाना जरूरी है। जहां से खेल समाप्त होगा तब रिकॉर्ड के अनुसार 6 रन प्रति ओवर होना चाहिए। फास्ट एड चाहिए, आप उधर चले जाइए और लगा देंगे। और हमारे अमरेश प्रसाद और कारगिल तुम जाओ जी, नहीं स्कोरर जा रहे हैं। और कारगिल की क्या बने, वाकई समाज तारीफ कर रही है, ओहो बहुत जल्दी जल्दी आया है।
क्योंकि देखिए कैसे दौड़ के जा रहा है और क्या तरह कितना सुंदरता के साथ करके दौड़ रहा है। देखिए आप उसका दौड़ते देख कर एंजॉय कर सकते हैं। उनके गाड़ी में ब्रेक लेंगे, ब्रेक फेंक लें और दौड़ कर ही आना क्योंकि जल्द मैच होगा। कारगिल, कारगिल तो फेमस है, वहां से भी कारगिल का आवाज। दौड़ कर आओगे, भाग कर आओगे कारगिल, कारगिल दौड़ कर। देखिए चलिए, ओहो क्या आनंद उठाने का मौका आपके लिए, बहुत ही। ओह दोनों टांगों का किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं ये बॉक्सर भी जानता है कारगिल। और स्कोर हुआ है 8 रन, 4 ओवर चलता हुआ। बहुत ही बढ़िया रोनी सिंह, जिन्होंने आज एक बड़ी कामयाबी अपनी टीम को दिलाया। अनुभवी क्रिकेटर अनुपाल, जो नेचुरल स्ट्रोक प्लेयर हैं, आज अनुपाल जैसे खिलाड़ी को उन्होंने सस्ते में लिया, इस बार क्लियर किया और बहुत ही बढ़िया दौड़ रनिंग फील्ड विकेट काफी बढ़िया। 18 ओवर का ये मुकाबला है आज, शुभ्रांशु के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, ये अकेला किसी भी टीम को हराने का मारा रखते हैं। कट किया लेकिन खिलाड़ी मौजूद है। ओहो झारखंड क्रिकेट टीम आज मेहमान क्रिकेट टीम और मेजबान क्रिकेट टीम के बीच ये मुकाबला, अतिथि आए हैं और पहला रन के साथ अपना खाता खोला है। अभी अभी सचिन हो विराट हो, पहला रन तो सबको चाहिए। इस बार कलाई के सामने मारने की कोशिश तो जरूर किया था लेकिन लेडी मेज लगकर गेंद आई थी पॉइंट की दिशा में। लेकिन मैं दिल से सलाम कहना चाहूंगा, सलाम करना चाहूंगा तमाम दर्शकों को जो कैंसर के सपोर्ट में आप लोग हैं। चलिए कौन फंस रहा हूं, रोनी सिंह के चाल में पूरे फंस रहे और इसके साथ दूसरा विकेट का बता लू, दोनों आउट है सस्ते में। बस 10 में 2 ओपनर आउट हुए हैं, बस 10 रनों में ये दूसरा ओपनर का विकेट हासिल किया है रोनी सिंह, जो कि आज फील्डिंग का जादूगर साबित हुए और फ्लाइटेड का चकमा दिया और उसी फ्लाइटेड ने ही स्वयं सार्थक को अभी अभी चकमा दिया, परास्त किया क्योंकि कलाई के सारे वो मोड़ने की फिर से कोशिश किया, लीडिंग एज लगा और आराम के साथ फूल के माफी कैच को वो प्रदान करके लौटे हैं। दूसरा विकेट का पतन हुआ। अब राजा स्वाई आए हैं जो आज उनको एक महत्वपूर्ण पारी खेलने के लिए आज भेजा कर जरूर गया है, वो आज शुभ्रांशु के साथ मध्यम क्रम को संभालेंगे जबकि टीम 2 विकेट गवा चुका है जल्द से जल्द। और 2 बड़ी कामयाबी पाने के बाद कहीं ना कहीं जरूर आज एक रणनीति के तहत सफलता अर्जित किया है टीम झारखंड में। रजस्वाई और ट्रिपल एस इस मैदान में उपस्थित अभी हैं, दोनों ओपनर्स सलामी बल्लेबाज आज असफल साबित हुए, बस 10 रन में ये दूसरा विकेट गिरा है। अनुपाल 5 रन बनाकर आउट हुए थे और सार्थक मात्र 4 रन। और झारखंड राज्य के खिलाफ शुभ्रांशु का 157 रनों की पारी को कौन भूल सकता है, जबकि ओडिशा के तमाम बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी एक एक करके पैवेलियन लौट चुके थे, तब एक सूर्य की तरह चमके के उजर के सपूत ओडिशा रणजी ट्रॉफी में झारखंड के खिलाफ 157 रनों की पारी खेलकर सारे ओडिशा को ये चकित किया, दर्शाया क्या प्रतिभा उनके पास मौजूद था और एकमात्र धरोहर बल्लेबाज साबित हुए थे। और आज फिर से झारखंड क्रिकेट टीम के साथ उनका पाला पड़ा है, आज
तमाम केवसरवासी उसी प्रकार की पारी को फिर से किमी में नहीं यहाँ जीता जाता देखना चाह रहे हैं। बहुत ही बढ़िया सुंदर ड्राइव किया था, ये सीजन में काफी बेहतर क्रिकेट खेला है रजत स्वाई। क्लब क्रिकेट में आजकल काफी बढ़िया फॉर्म में है रजत स्वाई और आज फिर से केवलझर मिट्टी में आज अपना प्रदर्शन और प्रतिभा जाहिर करने की जरूरत है। ये जाजपुर में, राघवपुर में, जसीपुर में अच्छा प्रदर्शन किया, पालहड़ा में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन आज केवलझर मिट्टी में खेलने का मजा कुछ अलग होगा। क्योंकि कहता है जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा, जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा, अपने समर्थक के आगे खेल देखा यार तो सबने देखा। तो इसी वजह से आज उनको दिखाना होगा क्या बापू स्वाई के पास वो टैलेंट है, आज दर्शाना होगा इस मैदान में जो गवाही देता हुआ तमाम दर्शक एक उम्मीद के नजर से आज देख रहा है सुधो स्वाई सुभ्रांशु के ऊपर और रजत के ऊपर। भाग्यशाली पकड़ा पकड़ी के नजरे में यहाँ गिरा गेंद। एक समय में जब गेंद हवा में थी कहीं बहुत सारे दर्शक के हालत सूख गई होगी, हार्ट बीट बढ़ गया होगा, लेकिन शुभ्रांग सेनापति आज निश्चित रूप से दर्शकों की दुआओं में आज वो है। राइट एम ओवर। क्या रन है, बहुत ही बढ़िया करने के प्रयास। 11-2 ये आंकड़ा है आज। जानते हैं कि बाहर ऊपर आसमान से बारिश टपक रहे हैं और मैदान गीला और इसी कसमकस में उनको आज खेलना जरूर है। सुधांशु को बहुत ही बढ़िया ग्लाइड किया था इस बार थर्मल की दिशा में। चलिए तो ढाका से गेंद निकली थी लेकिन ये चौका नहीं गई और टीम का स्कोर हुआ है 12 रन। जरूर है मुश्किलात तो जरूर है सुधांशु के आगे क्योंकि पानी ऊपर भी है पानी जमीन में भी है, मुश्किल भरे रास्ते मुश्किल भरा स्थिति जरूर बहुत है, लेकिन फिर डाकर सुधांशु तुम्हारे साथ दर्शकों के दुआएं भी बहुत है, खेलते रहो। सीधा ड्राइव किया लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। ये 5वां ओवर चलता हुआ 13 रन। डेड बॉल। दो गेंदें बाकी है लेकिन इंतजार कर रहे हैं उनका। रनों का कोई मौका नहीं क्योंकि 5 ओवर तो मिनिमम कराने होंगे अंपायरों को और ये बॉल गिरा वही कवर जाएगा जरूर। अंपायर का निर्णय होगा जरूर शायद ये अनुमान लगाया जा रहा था। ये अंतिम गेंद और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 5 ओवर के बाद हुआ है 13 रन। 5 ओवर के बाद 13 रन और जिनमें 2 विकेट का नुकसान हुआ है और अभी अभी अंपायर का इशारा कि खेल थोड़े समय के लिए रुका दिया जाए रोक दिया जाए। 5 ओवर के बाद 13 रन जहां 2 विकेट के नुकसान हुए हैं।
ଟାଣ୍ଡେ 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 ଆସି ତଳେ ଟାଣ୍ଡେ ତଳେ ଆରେ ସେପଟ କେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ ସେ ସେ ମ୍ୟାଟ୍ଟା ଭିଜିଯିବ ସେ ମ୍ୟାଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖ ମ୍ୟାଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖାହଉଛି ମାନେ ଫସିଗଲେ ତ ମାନେ ଫସିଗଲେ ସେ ଶଳାକୁ କହୁଛି କାର୍ତ୍ତିକି ସେ ବୁଲୁଛି ଚାଲୁଛି ତାପରେ ଆସି ଗୋଟେ ରନ୍ ଅଫ୍ ଯାଉଛି ଖାଇଦେବା ଚାଲ एक रन और टीम का स्कोर हुआ 13 रन स्कोर हुआ है 13 छठा और बाहरी खिलाड़ी मिलेगा बाउंड्री ड्राइव करने की कोशिश बाहरी खिलाड़ी चौका सत्रह रन के पारी झारखंड एक लड़ा को क्रिकेट टीम जरूर है बहुत ही बढ़िया ढिलास चूज किया लेकिन खिलाड़ी मौजूद है एक रन जरूर चाह रहे थे सुधांशु लेकिन मोरू मौका नहीं दिया राजू यादव फिर से डॉक्टर यादव पास किया राजा था वह काफी चुस्तिले और फुर्तिले जरूर है लेकिन इस बार एक रन लेने में रोक नहीं लगा पाए और एक रन के साथ स्कोर जाकर पहुंचा 18 रन के ऊपर 80 और एकाएक सोमा जी हमारे स्कोरर बन गई है बहुत ही बढ़िया लेकिन खिलाड़ी मौजूद है लॉन्गर रखा है डीप लॉन्गर मौजूद है और मैदान खुल चुका है पांच खिलाड़ी इसके दायरे के बाहर है और इसी वजह से डीप लॉन्गन और डीप लॉन्गन मौजूद है डीप टॉपर मौजूद है और डीप मिड विकेट मौजूद है पॉइंट के हाथ में खेला है सुधांशु रोनी सिंह जिन्होंने आज दो कीमती विकेट प्रदान किया था दोनों ऑपनर्स को आउट किया था राजू यादव जो कि एक लड़ाकू कप्तान है और झारखंड राज्य के भी वो कप्तान रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके पास भी अनुभव है और बल्लेबाज के ऊपर किस प्रकार से शिकंजा कसने की जरूरत है वो भली भांति जानते हैं
और इसी वजह से गेंदबाजी की लाइन टाइट लाइन है और ये जो गेंदबाज अभी आए हैं 6 ओवर के बाद 18 रन 3 रन के हिसाब से खर्च किया है ये 6 ओवर के बाद 19 रन और ये गेंदबाज आए हैं और इस गेंदबाज को राजू यादव की खास अपेक्षा है और ये गेंदबाज राजू यादव के चहेते गेंदबाज गुलशन राजू यादव कहते हैं कि हमारे ये गेंदबाज और मैं जानना चाहूंगा नाम चेंज इन बॉलिंग राइट एम ओवर चेंज इन बॉलिंग गुलशन गुलशन क्या गुल खिलाएंगे ये तो देखने वाली बात होगी लेकिन राजू यादव जो कप्तान है इनके ऊपर उनका भरोसा 100% है और ये देखने को बाकी किस प्रकार से उठता है लंबे गति के खिलाड़ी हैं जरूर बहुत बढ़िया ओपन चेस्टेड वो राघव राम के साथ वो आ रहे हैं जिनके चेस्ट जिनके छाती खुला हुआ है और जब ये ओपन चेस्टेड के साथ जब गेंदबाज गेंदबाजी करता है तो बाजू में ताकत एक्स्ट्रा बेहतर जरूर है और आए हैं गुलशन और उनके सामने है रजत स्वाई और ये गेंदबाज अभी अभी लगाया है ये हथियार के रूप में अभी अभी राजू यादव ने लगाया गुलशन को 6 ओवर के बाद 19 रन डकर पॉइंट पॉइंट शॉट कवर पेस है इसके पास जी हाँ बहुत ही बढ़िया अच्छे शुरुआत ये चहेते खिलाड़ी हैं राजू यादव के ये चहेते हैं देखने को बाकी और जब किसी तेज गति गेंदबाज अगर पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट रखे इसका मतलब आपको समझ लेना चाहिए कि शॉर्ट ऑफ बैक ऑफ लेन की एक कारगर साबित होने वाले खिलाड़ी है गेंदबाज है बाजू में ताकत है इसलिए 2 पॉइंट बैकवर्ड पॉइंट के साथ ये देखिए नमूना क्या तेज है उनके पास लेकिन थोड़ा सा दिशा से भटके हैं जरूर कांटा थोड़ा सा इधर आया ऑन साइड में कमर के तरफ और डीप थार्डमैन रखा गया है ताकि किसी भी टॉप पे तो फील्ड किया जाए और फाइन लेग तो जरूर होंगे ओहो पुल करने के प्रयास लेकिन गेंद तेजी है गेंद में तेजी की जरूरत है उनके गुलशन के कम उम्र के खिलाड़ी है लंबे कद के खिलाड़ी है झारखंड बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया सुंदर ड्राइव दर्शनीय बहुत बढ़िया छोटे कद के खिलाड़ी है रजत स्वाई लेकिन प्रबल प्रतिभा इनके पास मौजूद है मुझे तो जैसे दूर से नजर आ रहा है 90s के अरविंद डिसम्बर की तरह और क्या तेज तो देखिए रफ्तार है कम करने के प्रयास शॉर्ट बॉल आज नागपुर क्रिकेट टीम ने बहुत अच्छा खेला है क्रिकेट उसके बाद झारखंड में भी आज लड़ने वाला क्रिकेट टीम जरूर नजर आया है बैटिंग में एक छोर पे विकेट गिरता रहा लेकिन फिर भी उन्होंने एक फाइटिंग टोटल खड़ा किया है केवजन के खिलाफ और गेंदबाजी में बिल्कुल कप्तान को खुश करने वाला गेंदबाजी अभी भी बरकरार है देखिए बस जैसे एक ही स्पॉट के ऊपर लगातार हिट बनाते हुए और जब तेज गति के गेंदबाज जब ब्लॉकिंग करने जब नेट में आते हैं तो कुछ रुईया रख देते हैं मैट के ऊपर
और कोच कह देते हैं कि ची इसी स्पॉट में ही तुमको डालना होगा, और एक अर्जुन की तरह उसी दिशा में गेंदबाजी होता है प्रैक्टिस के दौरान, प्रैक्टिस सेशन में। जैसे लग रहा था कि ये उस कोच के साथ कोच से कुछ शिक्षा लिए हैं, जो एक ही स्पॉट में लगातार वो बाहर करने में सक्षम हुए हैं, और एक ही स्पॉट में बापू स्वाइन को बीट किया और 21 रन बने हैं, 3 रन आया था इस ओवर में, और बहुत ही बढ़िया सुंदर और इनकी गेंदबाजी देखने से बनता है। 11 ओवर में अब 107 रनों की जरूरत है, और अपने ही सरजमीन पर आज अपना प्रतिभा का झंडा बुलंद करे वो, इसी नजर से देख रहे हैं तमाम दर्शक शुभ्रांशु सेनापति को। बॉलर कौन है भाई? रोशन आए, लेफ्ट हैंड फॉरवर्ड स्पिनर ऑर्थोडॉक्स रोशन आए हैं गेंदबाजी में। राजू यादव फिजिकल क्रिकेटर, और एक शॉट खेलने के समय शायद उनको कुछ तब्दीली लाने की जरूरत पड़ी, अनुभवी कप्तान है। राजू यादव आज चल नहीं पाए हैं, क्या ये शानदार कार्यों का मैं गवाह हूँ मैदान में। उन्होंने अच्छे अच्छे टीमों के खिलाफ कई विस्फोटक कार्य खेले हैं उन्होंने, बहुत ही बढ़िया कर्म का इस्तेमाल करके अच्छी फील्डिंग अपने ही फॉलो थ्रू में। लेकिन रजत स्वाई को अगले ओवर से कुछ चार्ज तो जरूर करना होगा। इस बार ऑन साइड में पुश किया था एक रन, और एक चोट से थोड़ा सा पहल करना होगा, अटैकिंग शुरुआत जरूर करने होंगे राजस्वाई को, क्योंकि सुब्राम सिंह को अतिरिक्त बोझ बनेगा। अभी भी 10 रन प्रति हिसाब के साथ पारी को जरूरत है। सीधा उठाया था इस बार लेकिन हुए आउट। ଉଦାର ପଡ଼ିକି ଭଲ ଅଛି, ଏଇ ବଲ୍ଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଅଛି, ମୁଁ ହେଉଛି ଏଇଟା ପାତ୍ର ସାଙ୍ଗ ବଲ୍ଟା, ସେ ତା ଦେହ ମିଶି ଯାଇଛି ପାତ୍ର ସାହି ଯେଉଁ ଛୋଟ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବଲ୍ ଦୁଇଟା ଭଲ ଥିଲା, ତାପରେ और ये 8वां ओवर चलता हुआ और मिला विकेट विपुल राउत को भेजा गया है। अभी बहुत ही बढ़िया सुंदर ड्राइव, खिलाड़ी मौजूद है और एक रन के साथ 23 रन 8वां ओवर के बाद, जबकि 18 ओवर का खेल यहां पर खेल का अब 18 ओवर का ये मुकाबला है, और जहां 10 ओवर का खेल बाकी है और अगले 6 ओवर के लिए मैं दावत दिलाता हूँ कमेटी बॉक्स पर मेरे साथी अरविंद को, और अरविंद मैं गुजारिश करूंगा कि 10 ओवर में कितने रन अभी हैं, थोड़ा सा वो इतला दे दिया जाए।
धन्यवाद देना चाहेंगे बुब्बू भाई को। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन और मैं कहूंगा ये क्रिकेट परिस्थिति में अभी क्यों है, संभल कर खेलने की आवश्यकता। और जब तक मैदान पर साठ गेंदों में 105 रनों की जरूरत थी, अब 59 गेंदों में 105 रनों की जरूरत जीत के लिए क्यों को। सही तरीके से कोई भी बल्लेबाज का बल्ले पर गेंद नहीं आ रही है, ये स्वयं बिल्कुल गेंदबाजों के ऊपर जा रहा है। झारखंड शानदार गेंदबाजी अभी तक 9 ओवर प्रगति पर और स्कोर जो है धीमे गति से चलता हुआ 24 रन, 3 विकेट, 3 सफलता क्यों जगह। प्राप्त कर चुके हैं झारखंड टीम। राइट एम ओवर गुलशन कुमार गेंदबाज झारखंड के और सामने हैं अभी नए तो आए हैं बल्लेबाज बाएं हाथ को। विपुल राव तड़ातड़ बल्लेबाजी की आवश्यकता है अभी। शुभ्रांशु सेनापति मंझे हुए खिलाड़ी अब भी मैदान के अंदर जूझते हुए रनों के। वाइट बॉल खूबसूरती के साथ गेंद को बाहर निकालते हुए लेकिन वाइट पैसा रहा पेड़ पर अतिरिक्त जोड़ता हुआ खाते में थोड़ा सा दिशा इन गेंदबाजी इस समय देखने को मिल रहा है। गुलशन कुमार की काफी लंबी रन अप और विपुल राव के साथ ऐसा उछल कर गेंद को एक रन गुलशन कुमार और